दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को हमारा इस वीडियो का डैशबोर्ड में। और चलिए दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, लाइव प्रूफ देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या क्या सुविधा है और क्या क्या सुविधा नहीं है। जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारा भाई लोग हमारा साथ कांटेक्ट कर रहा है, भाई हमको इसका CSP चाहिए, इसका CSP चाहिए। तो दोस्तों मैं इस वीडियो का अंदर दो कंपनी का बारे में बताऊंगा जो इंटरेस्ट कंपनी है। इस कंपनी का थ्रू दोस्तों आप कोई भी कंपनी का CSP ले सकती है। ये दोस्तों कंपनी बहुत अच्छा है। और फाइनली दोस्तों अगर हम बात करें पेमेंट बैंक के बारे में, तो पेमेंट बैंक जो होता है दोस्तों सबसे इजी सबसे आसानी होता है दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक। और दोस्तों अगर हम बात करें कुछ कॉस्टली के दोस्तों, सबसे पहले आता है पेटीएम पेमेंट बैंक। दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों कोई ब्रांच नहीं होता है। अगर दोस्तों हम बात करें पेटीएम पेमेंट बैंक, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ब्रांच मिलता है। ठीक है, ब्रांच कैसे मिलता है, अपना अपना स्टेट में दोस्तों एक एक दोस्तों हेड ब्रांच है। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, अपना एरिया का जो ब्रांच है कैसे पता करना है, आपको तो पता नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा दो इंडिया में दोस्तों सबसे तो फर्स्ट और फर्स्ट इजी जो सर्विस है दोस्तों पेटीएम है और एयरटेल है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमको कोई अच्छा नहीं लगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, दोनों का आईडी दोस्तों बिल्कुल फ्री में रजिस्ट्रेशन है और बिल्कुल फ्री में ले सकती है। तो कैसे ले सकती है, कैसे अप्लाई करेगा, क्या क्या टर्मिंग कंडीशन है, उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे एयरटेल का बीसी एजेंट आपको किस तरह मिलेगा, और बाद में दोस्तों बात करेंगे पेटीएम का CSP आपको कैसे मिलेगा। तो सबसे इजी है दोस्तों एयरटेल का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन करो, OTP डालो, सबमिट करो, आईडी हो जाता है। लेकिन क्या होता है पेटीएम में, यहाँ पे आपको अपना एरिया का जो FEC होता है उसका कॉन्टेक्ट करना है। ठीक है, तो TM होता है जो उसके साथ कॉन्टेक्ट करना है। कैसे, तो सबसे पहले चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को लिखना है एयरटेल पेमेंट बैंक। यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक, चलिए मैं लिख दिया हूँ .in, एयरटेल.in लिखेगा डायरेक्ट यहाँ पे लिखेगा। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करेगा तो बहुत दोस्तों प्रॉब्लम होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आप लोग इस लिंक पे जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये दोस्तों मेरा अकाउंट है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है न्यू टैब में, यहाँ पे लिखना दोस्तों digitalashokstore.com लिखना है। लिखने के बाद दोस्तों आपको सैंपल क्या करना, नीचे रन करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नीचे रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा साइट खुल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहा है digitalashokstore.com, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्योंकि दोस्तों इस जगह में अगर आप लोग क्लिक करेगा और यहाँ से अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करेगा, तो सबसे इजी और फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहाँ पे लॉगिन कर सकती है। ठीक है, ये दोस्तों मेरा, मैं खुद का एक्सपीरियंस बोलूं दोस्तों, ये दोस्तों मेरा यहाँ पे जो आईडी है दोस्तों सुपर आईडी में यहाँ पे लॉगिन करके रखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकती है आज का पोस्ट दोस्तों 30 तारीख का है। दोस्तों आज का पोस्ट में यहाँ पे देख पा रहा है, चलिए मैं रीड मोड में क्लिक कर लेता हूँ। और रीड मोड जब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो दोस्तों आपको क्या करना, चलिए मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। क्योंकि दोस्तों इस जगह से अगर आप लोग लॉगिन करें तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। यहाँ से आपको सैंपल क्लिक करना है digitalashokstore.com में जाकर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमारा आर्टिकल होकर आता है बंगाली, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पूरे आर्टिकल में देखे रखा है। तो आपको नीचे रन करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एयरटेल फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको सैंपल क्लिक करना है। कहाँ पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना। आप दोस्तों डायरेक्ट खोलेगा तो नहीं होगा, वहां से खोलेगा तो आपका सर्वर एरर बताएगा, लॉग इन नहीं होगा, हैन तेन आपको बहुत सारा बताएगा, लेकिन यहाँ से आप लोग लॉग इन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमको क्लिक कर लेना सैंपल। जब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बार टैप मारेंगे, चलिए मैं यहाँ पे दोस्तों एक बार टैप मार दिया हूँ। जब दोस्तों मैं टैप मारूंगा तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये इस तरह आ रहा है। ठीक है, पहले दोस्तों किस तरह था, अलग से था। तो आपको क्या करना है, इस तरह में आना है। जब दोस्तों इस तरह में आएगा तो आपको नीचे रन करना है इस तरह। आपको दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा फैसिलिटी मिलेगा, बहुत सारे ऐप के बारे में बताएगा, स्विच टू एयरटेल पेमेंट बैंक जो भी है दोस्तों, यहाँ से बहुत सारा फैसिलिटी मिलेगा। अगर आप दोस्तों वहां से करेगा तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वहां से नहीं होता है, पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों मिलेगा एयरटेल ऑफिस मिलेगा, एयरटेल कॉपरेटिव पोस्टपेड मिलेगा, डाटा कार्ड मिलेगा, बहुत सारा यहाँ पे दोस्तों सिस्टम मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या है दोस्तों, इस जगह में आना है, क्योंकि ये दोस्तों airtel.in है। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद बहुत सारा वाले दोस्तों मेरा वेबसाइट में गया, लेकिन उसको पता नहीं हो रहा है भाई हम आप कर रहे थे, यहाँ पे आ रहा है। तो आपको क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख सकती है एयरटेल पेमेंट बैंक, आपको कहाँ पे करना है दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहां से आप लोग अगर करेगा तो वहां से नहीं होता है। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट अगर आप लोग वहां से करेगा तो आप लोग शायद बोल रहे हो भाई एयरटेल पेमेंट बैंक अगर हम लोग डायरेक्ट वहां से करेंगे तो हो जाएगा, क्यों आपका वेबसाइट में जाएगा, तो चुपकी आप वेबसाइट में लेके जा रहे हैं, उधर उधर घुमा रहे हैं, ऐसा क्यों है। तो दोस्तों यहां से अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों वो जो लिंक है मैं दोस्तों खुद प्रैक्टिकली देखा हूँ। मैं दोस्तों डायरेक्ट मेरा जो एरिया का स्टोर है दोस्तों एयरटेल का BM है, वहां से उस लिंक को कॉपी करके वहां पर पेस्ट किया। ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं दोस्तों देखा सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों इस लिंक को डायरेक्ट अगर प्रोवाइड करूँ कहां से मैं इस लिंक को बनाया हूँ, ये दोस्तों नहीं होता। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कंपनी से मैं लिया हूँ, कंपनी का एम्प्लॉय से लिया, वहां से लिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सैंपल नीचे डाउन करना है। यहाँ पे वीडियो लंबा हो रहा है, आपको A to Z बताऊंगा, उसी लिए
अभी दोस्त चलिए यहाँ पे हम बात कर लिया, अभी दोस्तों पेटीएम में हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे पेटीएम, तो आप दोस्तों यहाँ से भी लिख सकती है, नहीं तो दोस्तों हमारे वेबसाइट में जाके भी लिख सकती है। यहाँ पे वेबसाइट में जाने के दोस्तों यहाँ पे सैंपल क्लिक करना है और डिजिटल स्टोर डॉट कॉम में क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों पेटीएम बीसी एजेंट लिखना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों मेरा वेबसाइट में अगर जाएगा तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों पैसा कमाने के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो काम होता है उसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जो लीगल होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। पेटीएम बीसी, चलिए पेटीएम बीसी लिख दिया हूँ। वो दोस्तों दोनों साइड में हमारा दर्द दोस्तों यहाँ पे पेटीएम का एटीएम बीसी एजेंट कैसे बने, ठीक है। यहाँ पे आपको सैंपल रीड मोड में क्लिक कर लेना है। जब दोस्तों रीड मोड में क्लिक करेगा यहाँ पे दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस बताया है, ठीक है। यहाँ पे जब दोस्तों इस लिंक पर आप क्लिक करेगा, यहाँ पे जब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेगा ना, तो यहाँ पे दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है वहाँ पे आप लोगों को लेके चला जाए, ठीक है। तो हम दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों पेटीएम का एयरटेल के बारे में बात करेंगे। हम नीचे डाउन करेंगे और नीचे डाउन करेंगे इस तरह, तो चलो ऊपर आएगा, ठीक है। ऊपर है यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बिजनेस इंटरप्रेनर्स, यहाँ पे आपको सैंपल क्लिक रीड मोड में करना है। यहाँ पे जब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेगा यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों रिटेलर, तो यहाँ पे रिटेलर में सिलेक्ट करना है। और दोस्तों रिटेलर में जब आप सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने का दोस्तों फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। तो खुल गया है, इसमें आपको सिर्फ डिटेल्स भरना है, बाद आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकती है आपका डिवाइस है कि नहीं है, यहाँ पे येस करना है। और यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे नो करना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे येस करना है, यहाँ पे नो करना है। सेम दोस्तों पेटीएम का भी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग पेटीएम में जब क्लिक करेंगे बीसी इंटर दबा दिए यहाँ पे, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर एस के वाई सी पॉइंट। तो यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट जाएगा तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कभी कभी, उसीलिए दोस्तों मेरा साइड में जाने के लिए बोला। यहाँ पे जब आप दोस्तों क्लिक करेगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो हमारा लिंक है उस लिंक को जो यहाँ पे हम लोग पेस्ट किया उसमें खुल जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग, खैर हम लोग यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों सेम प्रोसेस है, वहाँ पे जैसा कि यस नो करना है, यहाँ पे भी सेम आपको करना है। आपका मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे दोस्तों, आपको सेम आपका मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे दोस्तों सेम आपको एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। और यहाँ पे बताया डू यू हैव फिक्स्ड आउटलेट, यहाँ पे दोस्तों आपको बताएगा आपका शॉप क्या रियल है कि नहीं है, तो यहाँ पे यस करना है। और दोस्तों नीचे आएगा आर यू एक्सटेंशन कस्टमर, तो यहाँ पे दोस्तों बताना है नो, क्योंकि दोस्तों सेम प्रोसेस यहाँ पे क्या बोला है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बताया आपका पास बायोमेट्रिक डिवाइस है कि नहीं है, तो आपको बोलना है दोस्तों हाँ, क्योंकि दोस्तों आपके पास नहीं है तभी बोलना हाँ, अगर आप लोग ना बोलेगा तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ, और आपके पास दोस्तों एक ध्यान देना है, आपके पास दोस्तों एयरटेल का सिम होना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपको नहीं मिलेगा, मैं पहले बोल देता हूँ, ठीक है। आपके पास एयरटेल का सिम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जब आप क्लिक करेगा तो यहाँ से भी आपका सबमिट हो जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो सबमिट होता है, यहाँ से सिर्फ सबमिट होता है, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, आपको दोस्तों यहाँ से आपको डायरेक्ट लॉगिन करने के लिए दोस्तों प्रोसेस मिल जाता है। लेकिन दोस्तों लॉगिन होता है कि नहीं होता है हमको पता नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारा ऑलरेडी है, अगर हम दोस्तों दूसरा मोबाइल नंबर डाले, नाम अगर वहां पे सही डाले तो दोस्तों हो सकती है हमारा पहले पुराना वाला आईडी को प्रॉब्लम आए, तो उसलिए दोस्तों हमने लॉगिन नहीं किया है। तो आप लोगों को सिर्फ दोस्तों बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरह आप कर सकती है। तो आशा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा जानकारी मिल चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करेंगे इस वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कर देना प्लीज।